चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट है, साथ ही साथ इसके नोट टू अकाउंट्स और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमने स्टार्टिंग से जो मैंने आपको दी है वो सारी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। कुछ भी कहीं भी स्किप होता है ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऐसा क्या करें कि स्किप ना हो, उसके लिए केवल एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप पर्याप्त प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठ जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 आर 39,000 एंड 45,000। तो ये मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि पिछले साल का जो प्रपोज किया हुआ है वो ही हम कहाँ लेंगे, ये O1 में भी लेंगे और उसी को इस साल हम पे भी करेंगे, तो ये ही आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो O1 में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, राइट। चलो अब आते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व देखिए। तो जनरल रिजर्व ये आपका O1 में करंट माइनस प्रीवियस मतलब 10,000, इसको क्या करते हैं प्लस करते हैं। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस है, 27 माइनस 18 दैट इज 9,000, दिस विल ऑल्सो अपियर इन O1, तो ये 9,000 ये लो। ठीक है, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में भी आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी हुई है कि कितना टैक्स पे किया है। तो क्या मैंने आपको बताया, याद है आपको कि जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो मानते हैं कि इस साल हमने पे किया होगा, है ना, और ये हमने इस साल का प्रोविजन बनाया है। याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाने के लिए एक बार करके बता देता हूँ। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 28,000, मैंने क्रेडिट साइड लिखा, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है ऑब्वियस सी बात है। ये 32,000, तो ये 28,000 बैलेंस था साल के शुरुआत में, साल के अंत में 32 हो गया। हम ये मानते हैं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो ये 28,000 आपने पे कर दिया होगा इस साल में, टू कैश 28,000। तो 28,000 प्रोविजन था, पे कर दिया तो जीरो होना चाहिए, तो 32,000 कहाँ से आया, ये इस साल हमने प्रोविजन बनाया होगा, तो बाय P&L, बाय P&L 32,000। तो सिंपल सी बात है, ये जो ओपनिंग वाला आप देख रहे हैं ये टू कैश में जाता है और ये जो क्लोजिंग है ये ही हमारे इस साल का प्रोविजन हमने बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोविजन हमने इस साल बनाया है ये आपका O1 में आता है और ये जो टैक्स पेड है ये OE में आता है, राइट। ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत सिंपल है, छोटी सी चीज है, गलती नहीं होनी चाहिए। पिछले साल का किधर आएगा, कुछ नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो फिर तो आप उसी तरह से अकाउंट बनाएंगे। मैं बता चुका हूं पहले भी कि प्रोविजन फॉर टैक्स का लेज़र कैसे बनेगा, नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप जरूर देखें। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, उसके बाद आइए लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पिछले साल हमारे पास 1,10,000 की थी, अभी 57 हो गई है। लैंड भी साथ में लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इट इज अ सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो कितने का सेल हुआ है, 110 था तो 53, तो 53 का सेल हुआ है, मतलब ये 53 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन सी एक्टिविटी है बोलो, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, उसी प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी, पिछले साल 90 था, इस साल बढ़ के 191 हो गया है, तो हम मानते हैं कि हमने परचेज किया है, तो परचेज किया है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कितना परचेज किया, 1,01,000 ये हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, क्लियर है। तो ये परचेज किया, ये मैंने माइनस किया और ये हमने सेल किया था तो प्लस किया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ये O1 O1 और यहाँ पे O1 OE O1 F ये सब हो गया। अब सीधे आ जाते हैं नोट टू अकाउंट्स कंप्लीट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप देखिए शेयर कैपिटल, पिछले साल 3 लाख था, इस साल 3,50,000 है। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो इनफ्लो हुआ है, बिल्कुल इनफ्लो हुआ है, कितने का, 50,000 का।
उसके बाद आइए रिजर्व्स एंड सरप्लस, वन लिखा हुआ है, इसको हम ऑलरेडी नोट टू अकाउंट्स में कवर कर चुके हैं, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेड पेबल्स पिछले साल 35 था और इस साल 53 हुआ है। तो डेल, डेल याद है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, O3 में प्लस करते हैं, कितना 18,000। ठीक है, उसके बाद आइए अदर करंट लाइबिलिटी, ये भी आपकी क्या हो रही है, ये आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी को प्लस करते हैं, बाकी माइनस होता है, तो ये आपका -2,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को कवर कर चुके हैं, ये नोट टू अकाउंट्स लिखा हुआ है। नंबर टू, दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। अब आइए टेंजिबल एसेट्स, इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है, 3 ध्यान होगा आपको। इनटेंजिबल एसेट्स पे आ जाइए, पिछले साल 50 था, इस साल 40 है, मतलब इसका मतलब है ये अमोर्टाइजेशन है 10,000 का, 10,000 का अमोर्टाइजेशन O3 में प्लस करेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल 10,000 के थे, इस साल 35,000 के हैं, मतलब हमने और इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, 25,000 का आउटफ्लो। राइट, इन्वेंट्रीज पे आइए, पिछले साल 57 थी, इस साल 39 है, मतलब डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, डेल को प्लस करते हैं, तो ये मैंने प्लस कर दिया, कितना 18,000 किधर आता है, O3 में। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट को माइनस करते हैं, कितना ये हो जाएगा, 25 और 33, टोटल 33,000 ये माइनस हो रहा है O3 में। ठीक है, और ये आपकी मदद करता है ये बताने में कि कितना कैश फ्लो हो रहा है, तो पिछले साल 17 था, इस साल 28 है, मतलब 11,000 का कैश फ्लो होगा। ठीक है, चल तो अब सीधे आते हैं हम फॉर्मेट पे। सबसे पहले O1, O1 में देख लीजिए क्या क्या है। O1 अभी आप क्या करेंगे, आप इसको अलग से वर्किंग नोट में बता सकते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे वर्किंग नोट हमने दे दिया, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में आप लिख देंगे किस चीज का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये ऐसा हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे सब, उसके बाद फिर आप लिखेंगे सरप्लस। ठीक है, सरप्लस आप लिखेंगे यहाँ पे 27,000 -18,000 कितना हो जाता है, 9,000। ठीक है, फिर उसमें आप ऐड करें, क्या ऐड करना है हमको, जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व, उसको भी आप करंट माइनस, इस तरीके से वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, -20। ठीक है, कितना हो गया, 10,000 बनेगा ऐसा। फिर आइए O1 में और क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अगेन ऐड, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 32,000, ये लो 32,000। उसके बाद O1 में क्या है आपका, डिविडेंड, डिविडेंड पेड, ठीक है, फाइनल डिविडेंड है ये आपका 39,000, 39,000। ठीक है, O1 में और कुछ है क्या, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, चलो टोटल करते हैं इसका, कितना होगा, 9,000 प्लस 10,000 प्लस 32 प्लस 39, तो ये हो जाता है 90,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट आपने दे दिया, अब फिर आपको कैश फ्लो में अंदर ही बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ पे 90 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट। ठीक है, बस, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आप वर्किंग नोट दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हम O2 पे, चलो तो O2 कहाँ है, O2 कहीं है ही नहीं क्या, O3 दिख रहा है, O2 कहीं भी नहीं है, एक सेकेंड, ये O2 है, ये O2 है, O3 गलती से लिख दिया था, दिस इज योर O2, तो 50 -40, ये 10 है ना, ये आपका अमोर्टाइजेशन है O2, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एड अमो अमोर्टाइजेशन, कितना है अमोर्टाइजेशन, 10,000। ठीक है,
यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ, ओ टू में और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। उसके बाद आते हैं हम ओ थ्री में, तो ओ थ्री में आपका इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है और डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज है। पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड, ठीक है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है, 18,000 एंड 18,000, 18,000, 18,000, ठीक है। और सर माइनस करना है, किस किस को माइनस करना है? ट्रेड रिसीवेबल्स को और अदर करेंट लायबिलिटी को, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स को, तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, कितना कितना है? 33 एंड 2, 33 एंड 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 36,000 माइनस 35,000, ये आ गया 1,000, ये लो 1,000, अभी ये हो गया आपका 1,01,000, ठीक है। इसमें अभी क्या करना है? लेस करना है ओई, है ना, टैक्स पेड, जगह थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पे, तो टैक्स पेड आखिरी में आप देख सकते हैं, ये 28,000, ये भूलना नहीं है हमको, 28,000, तो ये हो जाएगा आपका 73,000। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया कितना? 73,000, क्लियर है ये बात? चलो अब क्या करें, अब आते हैं इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में क्या दिख रहा है हमको? इन्वेस्टिंग में एक दिख रहा है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, और दूसरा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एक काम करते हैं, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, ठीक है, पहले इनफ्लो कहाँ से हो रहा है? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 53,000, ब्लैक पेन लेते हैं, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50, कितना था? 3,000, 53,000, फिर उसके बाद है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000, और यहाँ पे भी था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,01,000, ये नेगेटिव में गया, और फिर है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000, ठीक है। तो 53,000 माइनस 1,01,000 माइनस 25,000, ये हो जाता है 73,000 आपका इन्वेस्टिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग देख लें, तो फाइनेंसिंग में एक तो यहाँ पे है आपका 39,000 प्रपोज डिविडेंड जो आपने दिया होगा इस साल, और 50,000 ये है, और कहीं एफ दिख रहा है क्या? नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा है। इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, 50,000, और
पेमेंट ऑफ डिविडेंड 39,000, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 11,000 का इनफ्लो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए था कितना 73,000, 73,000 माइनस 73,000 प्लस 11,000, 73 माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये बचा 11,000। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपन देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 17 और 28, बिल्कुल सही है, मतलब 17 एंड ये हो जाएगा 28। आई बात समझ में? सिंपल है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।